इतनी प्यारी लिखती है भाई स्नोफॉल। फिर क्या पता घस से गुस्से पड़ जाए, दिक्कत रहती है बर्फ गिरने वाली। इसलिए उतरा हूँ ताकि ये भी साफ कर सकूँ। चंडीगढ़ का दलान आ गया, भाई ठंड लग रही है। कुछ नहीं, मतलब कुछ करने नहीं वाले है, लेकिन भाई बाहर स्नोफॉल होने वाली है थोड़ी देर में। अभी मैं देख रहा हूँ बाहर बारिश तो हो रही है फुल पावर, और इस टाइम पे अगर यहाँ पे मतलब शिमला में बारिश रहती है तो मैक्सिमम टाइम बर्फ पड़ने ही वाली होती है। ऐसा होगा या तो मैं सुबह उठूंगा तो बर्फ पड़ चुकी होगी, या फिर अभी मेरे को कुछ शॉर्ट्स मिलता था मैं वो भी डाल दूंगा, बाकी तुम लोगों को दिखाऊंगा कि सुबह क्या रहता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद भाई आखिरकार फाइनली यहाँ पे बर्फ पड़ना स्टार्ट हो गई है। ये देखो भाई घर भी ज़बरदस्त लग रही है, मेरे पे भी टिक रखी होगी पूरी तरह से ना, पूरी पहले तो ये पहन लेता हूँ मैं, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी ना, ऐसे सही हो जाएगा। लेकिन भाई ये देखो सुबह के लिए तो फुल भर जाएगा भाई ये पूरा का पूरा। सही देखो तुम में से कितने लोगों ने भाई आज से पहले बर्फ देखी है, मेरे को एक बार पहले तो बता दो। अभी तो वैसे शुरुआत ही हो रही है, देखो कितनी प्यारी लगती है भाई स्नोफॉल। ये देखो आ गया, मुझे बताओ ऐसे करके क्या सही आ रही है यार। जिन लोगों ने नहीं देखी यार उनके लिए तो कुछ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है भाई। देखो सही बता रहा हूँ, देखो जिंदगी में कभी लगता है बर्फ गिरने वाली है। लगता तो है चंदी बाबू सही कह रहे। अरे आप क्या कर रहे हैं यार, वाह चंदी बाबू वाह। आपका तो बिल्कुल मुंह आ रहा होगा, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों ये जो चश्मे है ना ये नॉर्मल चश्मे नहीं है, ये है वो क्या कहते हैं जो 3D मूवी होती है ना उसमें से चुरा के लाए। चश्मा चुरा लिया हम लोगों ने सच्ची में, उसके चोरे जो चश्मे भाई ये। हाँ ये देखो भाई ठंड इतनी लग रही है ना क्या बताऊं भाई, पूरा का पूरा सुन्न हो गया भाई सिस्टम। ये देखो यार भाई अलग ही एक्सपीरियंस है भाई ये। चलते अभी अंदर और सुबह के लिए देखते कुछ क्या बनता है। ये लो जी तो बर्फ हो गई है भाई, खतरनाक खतरनाक तो नहीं है वैसे, थोड़ी बहुत है लेकिन यार अभी भी पड़ी रही है। देखो मौसम भाई इतनी कुछ ज़्यादा स्नोफॉल तो नहीं हो रखी अभी, लेकिन यार कुछ दिनों में ना बता रखा है कि बहुत सारी स्नोफॉल होने वाली है। ये देखो यार ये बहुत सारी स्नोफॉल हो जाएगी ना तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है ये सीन है भाई। बाकी देखते अभी किसी, मैं जा रहा हूँ एक काम से, फिर क्या सीन बनता है वो सब कुछ उनको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। ये रही भाई अपनी गाड़ी, और ये देखो यार भाई ठंड बहुत ज़्यादा, कैसे साफ करूँ इसको, सीधे वाइपर तो चला नहीं सकता, ऐसे करके हाथ से हटानी पड़ेगी भाई ये। भाई हाथ के ना हिस्से हो गए 3-4 सच्चे बता रहा हूँ, ब्लर कर दूंगा ठीक है, नंबर तो नहीं दिख रहा भाई, ब्लर कर दूंगा। बाकी ये देखो भाई ऐसे करना पड़ता अपने को पहाड़ों में, पूरा का पूरा सीन सेट। भाई हाथ उठ गया, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, जिस दिन पड़ेगी ना अच्छे से बर्फ जो कि 2-3 दिन में पड़ने वाली है मोस्टली, फिर देखना तुम क्या सीन होता है भाई। ये देखो और सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, ये देखो जी भाई साहब ने क्या गाड़ी लगाई है, अब कैसे निकलेगी यहाँ से गाड़ी। हाँ ठीक है करते कुछ और गाड़ी निकालता हूँ भाई, इसके बाद मिलते तुम लोग ठीक है। देखो देखो बिना खोले तो मैं गाड़ी खोलने लग जाता हूँ, चलो भाई मिलते ठीक है। भाई ठंड से ना हालत ख़राब हो गई है भाई, कसम से कह रहा हूँ साले कान मेरे को फील नहीं हो रहे अपने, ऊपर से अब तो हाथ भी फील नहीं हो रहे बर्फ जो बिठाई है। ये देख लो आगे का यार, इसके ना पहले तो वाइप ऑन करते हैं भाई। ये देखो यार अगर तुम बर्फ कैसे निकालोगे तो दिक्कत होगी ठीक है थोड़ी बहुत। चलो ठीक है भाई ये तो हो गया, और पीछे की जगह है नहीं हमारे पास, तो
तब देखते हैं कि सारा दिन निकलेगी भाई अपनी गाड़ी, क्योंकि पता नहीं किसने भाई किस हीरो ने अपनी इतनी जगह नजदीक में लगा ली गाड़ी। निकालता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग वो भी तुमको आगे अभी बता ही दूंगा, ठीक है? चलो भाई चलते हैं। और गाड़ी को यार जब भी ऐसे करो ना भाई, थोड़ी देर स्टार्ट कर लो ठंड में, एक दो मिनट के लिए, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए गाड़ी, उसके बाद ही चलाओ, ठीक है? और खुद को भी गर्म कर लो भाई, कान वान का सीन हो गया पूरा का पूरा। फिर चलो देख, ये देखो भाई गाड़ी की हालत तो कुछ ऐसी हो गई, अपना सीन पूरा का पूरा पता नहीं कैसे करके निकाल लिया हमने, और पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था मेरे को, मैं इसलिए उतरा हूँ ताकि ये भी साफ कर सकूँ। ये देखो यार ठंड से भाई हालत बुरी है, पर यार मज़ा आ रहा है पता। अभी तक तो भाई जी होते थे ना, तो भाई जी ये सारे के सारे काम निपटा लेते थे, बर्फ़ बर्फ़ का तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था भाई, अभी जब खुद करना पड़ता है ना तो हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रखी है। और तुमको ये दिखा देता हूँ भाई, ये देखो है ना भाई खतरनाक। जब भाई एक दो दिन में पूरी स्नोफॉल हो जाएगी ना, तो ये जी जितना भी दिख रहा है तुमको, ये पूरा का पूरा ढक जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक। भाई मिस कर रहे थे लोग, मिला दिया तुमको। अरे यार बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कहे हैं। मैं थोड़ा मिशन पे था जरा, अफगानिस्तान है, तालिबानियों ने बड़ा दुखी किया हुआ है, उसके बाद फिर मेरे को जाना पड़ा पुतिन के पास। भाई हूँ साला मान ही नहीं रहा, अटैक किए जा रहा है, अटैक किए जा रहा है, फिर मैं वापस आ गया। हाँ मैं फिर भाई एक ही बार समझाता हूँ, फिर ना अगली बार के लिए फिर क्या पता घस्से गुस्से पड़ जाए, दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं एक ही बार समझाता हूँ। ऊपर से जानते छत के ऊपर से इसकी गाड़ी साइड, ये अपने दूसरे बाबू जी आ गए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे सुन सुन सुन। अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम भी तो नहीं हमारे पास, बहुत ज्यादा मुश्किल थी ये भाई, गर्म ही नहीं हो, बंद हो जा रही है भाई, दिक्कत है भाई इस गाड़ी, बहुत मुश्किल से गर्म। बाकी जरूर आधी मोबाइल निकालता, ठीक है? आगे ये देखो भाई शाली मंदिर क्या जबरदस्त लग रहा है। हम लोग इस पे गए थे, तुमने मेरे पुराने व्लॉग्स देख रखे होंगे, तो ये वो जगह भाई जहाँ पे हम लोग चढ़े थे ऊपर। ये देखो भाई टॉप पर, टॉप पे मंदिर है, वहाँ पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल होकर रखी थी ना, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे फिर से जाने की। बाकी देखते हैं स्नोफॉल एक बार अच्छे से हो जाए तो सोचता हूँ एक बार फिर से वहाँ पे जाने का, क्योंकि वहाँ से अल्टीमेट व्यू आने वाला है भाई हर एक जगह का। तो देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं वहाँ का, बनाते हैं कुछ प्रोग्राम, ठीक है भाई? भाई यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ हम लोग कुफरी साइड को थोड़ा जाके आए, क्योंकि कुफरी साइड ना अभी यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी, लेकिन कुफरी साइड को बहुत सारी बर्फ पड़ी होगी, कन्फर्म है ये बात, क्योंकि यहाँ से देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो वो जो पीछे वाली साइड है ना, तुमको पेड़ पौधे जो भी यार दिख रहे हैं, मतलब पेड़ बहुत सारे सब, तो बहुत अच्छा व्यू मिल सकता है अपने को। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुफरी साइड को जाके आते हैं। तो ठीक है फिर बाबूजी आपकी गाड़ी लगा दी, जिस बाबूजी को मैं बोल रहा हूँ और जो हमारा व्लॉग देख रहे हैं उनको पता लग जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों को भी बता देता हूँ, हमारे बड़े बाबूजी है अमेरिका में, NRI साहब है साढ़े, ठीक है जी। गाड़ी लगा दी आपकी, बढ़िया, एकदम थोड़ी दिक्कत आई ठीक है स्टार्ट करने में, लेकिन लग गई बढ़िया। तो अभी बाकियों के लिए तो भाइयों अभी जा रहे हैं थोड़ी सी बर्फ़ देखने, थोड़ा सा सीनरी देखने। किस साइड को जा रहे हैं? कुफरी की साइड को जा रहे हैं, लेकिन कुफरी नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम हसन वैली तक, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही है। बर्फ वाले पेड़, तो ये देखो भाइयों ये दिखाने के लिए तुम्हारे ये इधर लाया है। ये बात बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर है भाई। ब्रो हम शिमला में रहते हैं, हर साल बर्फ देखते हैं, लेकिन हर साल देखते तो ऐसा लगता है पहली बार ही देखी है। चंडीगढ़ का दलाल आ गया साला भाई, 3000 cc भाई, 3000 cc खींचे नहीं जा रही भाई बंदे से, यार अजीब आदमी है। चलो जी भाई चले, चलो जी चलो। ये देखो भाई एक्सीडेंट हो सकता है बीच रोड में, फोन में देख के चल रहा हूँ ना, चल हवा चल भाई भाई आता भाई क्या यार ये हम यहाँ के लोकल ही भाई, टूरिस्ट नहीं है ठीक है, फिर भी ये रिएक्शन है, तो तुम लोग आओगे तो मज़े ही आ जाएंगे। बहुत सही है भाई, ये भाई कुफरी में हसन वैली है, और जब यहाँ पे अच्छे से बढ़ेगी ना बर्फ़ एक दो फुट, तब देखना तुम भाई वो जो नीचे दिख रहा है ना तुमको, वो भी वाइट होगा पूरा का पूरा, हो जाए फोकस होगा वो भी पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा सीन। अरे भाई क्या प्यारा लग रहा है यहाँ से। अभी आगे जब हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे एक प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी वाड़ी फंस सकती है, बहुत सारी बर्फ़ रहती है, तो अगर तुम्हारे पे 4x4 नहीं है तो मत ही आना भाई, ठीक है?
क्योंकि तुम खुद तो फंसोगे फंसोगे उसके बाद सब लोगों को ट्रैफिक में लग फसा दोगे। नहीं इसलिए मत आना, मतलब अगर 4x4 नहीं है। मेरा घर दिख रहा है यहाँ से। कहाँ पे? मतलब बड़ी मुश्किल तो वहाँ नहीं रहा वो इस पॉइंट पे उंगली लगा के बताओ कहाँ से आए। तो भाई ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल है, कैसा है वो बहुत कैसा है। ये भाई गाड़ी का हाल देख लो अपने, इतनी गंदी होके रखी है ना। मेरा दिल लुटेया ओ तुरे गाली जरूर मारते होंगे अपने को कि लग तो ये लोग शिमला के ही रहे भाई, उसके बाद भी इस तरह के इनमें वो कहाँ से है क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस। भाई मजे आ गए, चलो अभी चलते यार, थोड़े से काम मेरे को निपटाने हैं, फिर जो भी बनेगा मैं बता दूंगा ठीक है। क्या हो गया भाई? भाई ठंड लग रही है। हम पे हीटर है पर हीटर नहीं चलाएंगे। ऐसे करेंगे, ये होता है सिस्टम। अरे रामदेव ने बताया है सुबह सुबह 4 बजे आस्था देखने होता है। तुम साले गंवार लोग, तुम्हारे को क्या बता रामदेव क्या क्या बताता है हमारे को। भाई देख सकते हो तुम लोग यार स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है, बहुत कम 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 हो रही है, लेकिन भाई लेकिन अभी अगर आधे घंटे देखते रहोगे तो दिख रही होगी कि नहीं ये नहीं पता मेरे को इसमें, लेकिन भाई पड़ रही बहुत। मैं दिखाता हूँ इधर देखो ये दिख रही है। यार सीट बेल्ट है थोड़ी ना अटकी हुई, ये जो बूंद दिख रही है यहाँ पे तुम्हारे को, ये बूंद ये यहाँ पे ये दिख रही है ना, ये पहले बर्फ थी, हमने चलाया है ना हीटर तो शीशा गर्म हो गया, बर्फ थी ये मानो मेरी बात। ये देखो वो तेरी शरीर की गर्मी है, तो शरीर की गर्मी थी, मैंने ये किया ना अभी। अभी सारे के सारे काम निपटा के यार घर को चल रहे हैं, और ये देख लो तुम्हारे भाई ने दही पनीर पापड़ सब कुछ ले लिया है, पूरी सर्दी का जुगाड़ कर लिया हमने एक ही बार में। और भाई यहाँ देखो स्नोफॉल लग गई है, स्टार्ट हो चुकी है साथ में, दिख रही होगी देखो तुमको। तो यार ऐसा ही है, एक बार इनको पड़ जान दो फिर देखो तुम क्या मस्त मस्त व्लॉग्स आएंगे ना, फुल मज़ा आ जाएगा सब लोगों को। ठीक है अभी के लिए चलते हैं घर पे और देखते क्या बनता है।